गाइस, क्या आप जानते हैं कि कैसे टाटा की पार की नजर ने 2 लाख करोड़ की वॉच कंपनी इंडिया में खड़ी कर दी। जी हाँ गाइस, ये बात है साल 1970 की, जब टाटा कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे और उस वक्त उनकी नजर पड़ी इंडियन वॉच मार्केट पर, क्योंकि उस वक्त इंडियंस को इंटरनेशनल वॉचेस काफी ज्यादा पसंद थी, पर वो इजिली मिलती नहीं थी और साथ ही साथ वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी थी। इसलिए टाटा ने साल 1987 में पहली बार टाइटन वॉचेस की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। टाइटन ने कुछ ही साल में इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा बड़ा नाम बना लिया था, क्योंकि टाइटन की सर्विसेज दूसरे ब्रांड से काफी ज्यादा अच्छी थी। शायद इसी वजह से एक वक्त ऐसा भी आया था जब पूरे टाटा के रेवेन्यू का 70% कॉन्ट्रीब्यूशन टाइटन से आता था। यही नहीं, टाइटन के स्टॉक्स ने भी पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 400 गुना रिटर्न दिया था, और इसी वजह से टाइटन इंडिया का नंबर 1 ब्रांड बन चुका है। गाइस, क्या आपको भी टाइटन की वॉचेस पसंद है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, हॉलीवुड फिल्म अवतार पहली ऐसी फिल्म थी जिसने टाइटैनिक जैसी लेजेंडरी मूवी का रिकॉर्ड तोड़कर करीबन 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी। इस फिल्म में पेंडोरा की दुनिया को 3 डायमेंशन में बहुत ही खूबसूरती और जबरदस्त VFX के साथ दिखाया गया था। और अब वही अवतार 13 साल बाद फिर से लौट आई है, बिल्कुल एक नए अंदाज में, जहां पेंडोरा की दुनिया को पानी में पहली बार 4D टेक्नोलॉजी में दिखाया जाएगा, और उसके VFX भी इसके ट्रेलर में पहले से ज्यादा शानदार दिख रहे हैं। अवतार 2 यानी कि द वे ऑफ वॉटर इस साल 16 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है, और उसके डायरेक्टर जेम्स कैमरून का कहना है कि पहले अवतार में हम बड़े पर्दे की सीमाओं को तोड़कर आगे निकले थे, और अब इसके सीक्वल में हम फिर से टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। बहरहाल कि 2000 करोड़ के बजट से बनी यह मूवी 50,000 करोड़ रुपए तक कमा सकती है। लेकिन गाइस, क्या आपको भी ये लगता है कि अवतार 2 अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन पाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।